भाई चल जरा ये काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे प्रियांक भैया यू नो ही इज़ अ फॉर्मिडेबल नेम इन दिस इंडस्ट्री F&B और मैं 5 साल पहले भैया से मिला था एंड तब से ही हमारी प्लानिंग थी यार कुछ करें और फाइनली आई थिंक जब हमें जगह मिल गई लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमें पता था जैसा हमें एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए जैसी हमें जगह चाहिए उस वो फाइनली अपने को मिल गई है और फिर अब शुरुआत कर दी है भगवान का नाम लेके। हाँ बस यही था कि काफ़ी टाइम से चल रहा था इसको एंड वी गॉट अ प्लेस वी वांटेड समथिंग अब कोई बड़ी जगह जिसकी हाइट्स बहुत अच्छी हों जहाँ वो पूरा एक एक्सपीरियंस आए एक पूरा इट्स जो आपको फील आए उस जगह में वो शायद अभी तक इंडिया में ऐसी जगह नहीं है और जिस तरीके से बना रहे हैं जिस ग्लैमर से उसको बना रहे हैं और उसमें इसका इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है एवरी डिटेल ही इज़ गॉन टू कि ये मतलब एक एक दीवार पे ये कैसी होनी चाहिए बार कहाँ होनी चाहिए कॉन्सोल कहाँ होना चाहिए उसकी जो खाना कैसा होना चाहिए सो इसका बहुत उसमें इनपुट रहा है एंड इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी ड्रैगन फ्लाई विच यू विल ऑल सी। ओके माशा नाम भी काफ़ी अलग है इसके बारे में बताइए और क्या क्या मतलब जैसे सर ने बोला कि दीवारों से लेकर हर चीज़ में काफ़ी डिटेलिंग करी जा रही है काफ़ी काम हो रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यार देखो नाम और काम दोनों ही अलग होगा तो चलेगा क्योंकि नहीं तो फिर चलेगा ही नहीं लेकिन नाम काम अलग ही नहीं रखना था ना एक नाम का ड्रैगन फ्लाई क्योंकि पैन एशियन है हमारा मेनली कुजीन है तो ड्रैगन फ्लाई है उधर का थोड़ा जो ना ईस्टर्न और ओरिएंटल वो वाली फील देता है बट देन अगेन लोगो और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती हैं इस पर हमारा काफ़ी टाइम गया नाम पे बड़ा टाइम हमने 2-3 नाम सोचे नाम नहीं लेंगे वो जो सोचे तो वो भी बड़े अच्छे थे वो भी खोलने हैं लेकिन ड्रैगन फ्लाई बहुत बढ़िया नाम था और द होल द कंसेप्ट जो है अभी खुल जाएगा 30-40 दिन में आप लोग वहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ओके हाँ कैसा है तू मैं किसके गानों पर थिरकता हूँ आजकल तो यार मैं 90s के गाने बहुत सुन रहा हूँ कुमार शानू जितना उनके गाने बहुत सुन रहा हूँ मैं थिरकता तो सुंदरा शहर की लड़की डांस कर दे फुल ऑन जिम की स्टोरीज देखा करो फिर डांस ही चल रहा होता है उधर सर अब पुणे में भी शो करने जा रहे हो तो उसके बारे में कितनी तैयारी हो रही है उसके लिए? पुणे यार बहुत बड़ा फेस्टिवल है उसमें विशाल शेखर सर भी हैं फरहान अख्तर भी हैं और मीका भाजी भी हैं तैयारी है जोरों शोरों से काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है पुणे में तो चल रही है वी आर रियली एक्साइटेड बज़ हम पहली बार परफॉर्म करेंगे कहीं भी एक्चुअली बस हमने रिलीज़ होने से पहले पुणे में परफॉर्म किया था बड़ा सही रिस्पांस आया था तो आई थिंक वो जगह लकी है एक और नया गाना हम परफॉर्म करेंगे पुणे में सो पुणे हैज़ बीन वेरी लकी फॉर अस एंड वी पुणे में भी खोलना है ड्रैगन फ्लाई ओके बादशाह रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है कितना भार बढ़ जाता है जब जो गाते हैं वो सब हिट हो जाता है तो अगले गाने के लिए कितनी मेहनत और प्रिपरेशन और करना पड़ता है? बहुत यार सवाल तो बड़ा सही है लेकिन इसका आंसर यही है कि यार आई थिंक यू अगर जब आप ऑनेस्ट रहोगे अपने आर्ट के साथ तो आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छा गाना निकाल रहे हो या किस लेवल का आप क्या आपका 100% एफर्ट है तो अगर वो है तो फिर आप ये भूल जाओ कि चलेगा या नहीं चलेगा आपका एफर्ट पूरा होना चाहिए। ओके जिस तरीके से आपने कहा कि आजकल आप 90s के गाने बहुत सुन रहे हैं तो 90s के और रीमेक कुछ ऐसे बनाएंगे आप जैसे जिस तरीके से आपने बनाए हैं बाकी टम्मा टम्मा एंड ऑल हाँ यार मतलब रीमेक से ना थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश मैं कर रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल काफ़ी काम किया है मैंने अभी तो मेरी कोशिश है ओरिजिनल गाने निकालने की तो बज़ है अब नेक्स्ट सिंगल आ रहा है मेरा 17 मई को आ रहा है और उसके बाद जून में है तो काफ़ी ओरिजिनल आ रहा है रीमिक्स का ये यार मैं रीमिक्स समझता हूँ क्योंकि लोग रीमिक्स क्यों बनाना चाहते हैं बिकॉज एक प्रोड्यूसर हैं जो अपनी फिल्म पे इतना पैसा लगाते हैं सो दे वॉन्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड यार ये मेरा ये पहले से एक हिट है इसको हम रीमेक करेंगे तो यू नो इट इज़ गारंटीड एक छोटी सी गारंटी मिल जाती है ये चलेगा और वो फिर वो मैं समझता हूँ बट देन अगेन ना एज अ म्यूजिशियन मुझे लगता है कि बहुत हो गई रीमेक अब थोड़ा सा ओरिजिनल पे ध्यान दिया जाए। ओके 17 मई का जैसे आपने बताया तो उसके अलावा 17 मई को क्या रिलीज़ होने वाला है कौन से गाने हैं? गाने का नाम तो अभी रखा ही नहीं है लेकिन वो वीरे दी वेडिंग के लिए एक गाना किया मैंने तरीफा
वो आ जाएगा मेरे ख्याल से, अब मुझे पता नहीं है, रिया के साथ डेट कन्फर्म हुई नहीं है, बट ट्रेलर को इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है, गाना आ जाएगा वो हफ्ते के अंदर, गाना भी आ जाएगा। दो दिन पहले से एक टीजर लॉन्च हुआ है संजय दत्त की बायोपिक का, तो उसके बाद आपने देखा कैसा लगा? अरे बहुत ही खतरनाक, मतलब मैं रणबीर कपूर ने मतलब आग लगा दी, मतलब लगी नहीं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब बहुत ही सही परफॉर्मेंस है। और मतलब मेरे को ये था कि क्या होएगा, मैंने जब फर्स्ट लुक देखी थी और मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे को गर्मी आ गई सिर पे, मतलब रणबीर कपूर आई लव यू, यू आर एन अमेजिंग अमेजिंग एक्टर, एंड बस यार मज़ा ही आ गया। आपने संजय दत्त की कोई मूवी देखी है फास्ट में, कोई जो आपको दिल के करीब हो, एकदम खलनायक देखी है मैंने, सारी देखी है मैंने, सड़क, कारतूस, आतिश, खलनायक, वास्तव, बड़ी सारी देखी। हाल ही में एक साथ से जो केस पेंडिंग था, आखिरकार उसका जजमेंट आ गया है, आशाराम जी बापू उनको दोषी करार दिया गया है, तो आपका क्या टेक है उस बारे में, क्या सही है या कुछ? जो ये जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, जो उन्होंने आई थिंक जो उनका डिसीजन है वो फाइनल है, आई मीन आई एम श्योर, आई मीन मैं तो मेरे मैं क्या फील करता हूँ ये मैटर ही नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है जो जुडिशियल सिस्टम है, जो उनका डिसीजन है, आई रिस्पेक्ट दैट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके बादशाह, हाल ही में सरोज खान जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कास्टिंग काउच के ऊपर कि इंडस्ट्री में अभी कास्टिंग काउच कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है नहीं, मेरे को आपसे पता चल रहा है, बट पता नहीं यार, मतलब मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, बट आई डोंट नो व्हाट टू से, आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेट इफ सच अ थिंग यू नो हैपेंस, बट आई एम श्योर यू नो आई थिंक जो इंडस्ट्री में लोग हैं, आई थिंक सब बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, एंड सबको अपने काम की सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है, एंड आई थिंक यू नो वो प्रायोरिटी पे अपने काम ही रखेंगे, एंड यू नो टैलेंट ही रखा जाएगा प्रायोरिटी पे, बट इट्स अनफॉर्चुनेट, बट आई डोंट थिंक ऐसा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ, मैं तो बढ़िया हूँ। सर आप यहाँ हो तो दो गाने लाइन। ओके ओके ओके, अमानत तू है से जहाँ से होना चाहिए वही है, मैं भूल गया, वही से है, अरे न नजरों में आ न मुझको तू दिख, मैं तोड़ूंगा दिल तेरा लिख ही तू लिख, बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच, बोली में थोड़ा रे आन भी टच, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच, टोपी का भी सच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।